Hey guys, just working out. आज के लिए काफी है. गुड मॉर्निंग गाइस, जस्ट अभी वर्कआउट कंप्लीट किया मैंने. आप लोगों ने देखा मेरा इंटेंस वर्कआउट. जोक्स अपार्ट, मैंने सही में वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया है सुबह में. आई एम डूइंग दिस 30-डे चैलेंज, उस पर भी वीडियो आएगी, सो स्टे ट्यून्ड. बहुत भूख लग रही है यार, अब वर्कआउट शुरू कर दिया अब तो और ठूसने वाला हूँ मैं. अच्छा, यहाँ के लॉकडाउन की एक खास बात है कि खाना डिलीवर हो रहा है, तो खाना आप कोई भी मंगा सकते हो. मुझे तो रोज़ सुबह कॉफ़ी चाहिए चाहिए, मुझे खुद से इतनी अच्छी बनानी नहीं आती, वही मैं तो ऑर्डर करता हूँ फ्रॉम मैकडोनल्ड्स, मेरे को वहीं की अच्छी लगती है. तो वही हो गई हमारी कॉफ़ी ऑर्डर. द टाइम कॉफ़ी आती है मैं बनाऊंगा नाश्ता. आज मैं खुद बनाने वाला हूँ. सो गाइस, आज मैं बनाऊंगा गार्लिक ब्रेड जो मैं बाजार से लाया हुआ हूँ ऑलरेडी. बस बन गई गार्लिक ब्रेड. जितने टाइम गार्लिक ब्रेड बनती है हमें इसे देखना है ताकि ये जल ना जाए. अच्छा, पापा का ना वीडियो कॉल आएगा, उन्हें कॉल बैक करता हूँ. वीडियो बना रहा था मैं. अच्छा, वीडियो बना रहे थे. हाँ, वही गार्लिक ब्रेड बना रहा हूँ, कॉफी ऑर्डर करी है. चलो करता हूँ आपको भी. शिट, बहुत गर्म था यार ये तो. डू नॉट ट्राई दिस एट होम. हमारा कॉफ़ी वाला भी निकल गया है, रास्ते में है बस. भाई अगर आपको भी कॉफ़ी पिए बिना दिन स्टार्ट नहीं होता ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे. हाँ, कितना क्यूट सा लग रहा है देखना. अब इस पर क्या थोड़ा ना सीजनिंग करेंगे. भाई तुम्हें तो गार्लिक ब्रेड बनाना भी सिखा रहा हूँ मैं. वीडियो को लाइक कर दो. एक चुटकी चिली फ्लेक, एक चुटकी इटालियन स्टाइल सीजनिंग असैसिनोरमेंट इटालियन. नाश्ता तैयार है सर. वाह, क्या बना दिया है मैंने, मजा आ गया. आ गई कॉफी. थैंक यू, हैव अ गुड डे. दैट फर्स्ट सिप ऑफ कॉफी. अब हो जाए थोड़ी जरूरी बात. एक ड्रामा चल रहा है अभी, YouTube वर्सेस TikTok. जो लोग ये कंपैरिजन कर रहे हैं ना, उनके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है. वर्ल्ड का नंबर वन सर्च इंजन कौन सा है? गूगल. एवरीवन नोज दैट. सेकंड बिगेस्ट सर्च इंजन कौन सा है? TikTok. जस्ट किडिंग, YouTube ऑब्वियसली. YouTube जो कि सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, एक सर्च इंजन भी है, वो भी बहुत बड़े स्केल में. आप उसको TikTok से कंपेयर करो जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सिर्फ. टिकटॉक को आप इंस्टाग्राम से कंपेयर करो तो थोड़ा सेंस बनता है. आप यूट्यूब से कंपेयर करो, ये क्या बात है. बट आई काइंड ऑफ नो क्यों हो रहा है ये टिकटॉक और यूट्यूब, बिकॉज दोनों ही वीडियो क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं. बट दोनों प्लेटफॉर्म्स में फ़र्क बहुत ज़्यादा है. दोनों प्लेटफॉर्म्स की ऑडियंसेज अलग हैं. टिकटॉक अगर देखा जाए तो भाई सिर्फ 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, मैक्सिमम 1 मिनट के आप उस वीडियो डालते हो. यूट्यूब में 5 मिनट, 10 मिनट, पूरे पूरे एपिसोड्स, मूवीज सब होता है. तो कोई लेवल ही नहीं है कंपैरिजन का. दोनों प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे हैं, यूट्यूब ऑब्वियसली बेटर है. अब जो भाई क्रिएटर्स आपस में लड़ रहे हैं, वो उसका तो कोई इलाज है ही नहीं, क्योंकि हेट बहुत इजीली फैलता है. यूट्यूबर्स हमेशा से टिकटॉक का मजाक उड़ाते रहे हैं, इस बार टिकटॉक वालों ने यूट्यूब वालों का मजाक उड़ा दिया. तो यूट्यूबर्स और जो रोस्ट करते हैं वो लोग तो पागल ही हो गए. मैं टिकटॉक पे भी हूँ, मैंने मतलब 8-10 वीडियोज डाली हुई हैं फॉर फन. आई गो देयर एज वेल. दोनों प्लेटफॉर्म्स के यूजेस ही अलग है. टिकटॉक पे मैं जब जाता हूँ, जब मेरे को कुछ शॉर्ट फनी कुछ देखना हो, ऐसे ही टाइम पास करना हो. पर यूट्यूब पे क्या है, हम थोड़ा कुछ एंटरटेनमेंट के लिए सर्च करते हैं, या कोई हमारा न्यूज़ फीड पे आता है, हमारी जो हम देखना चाहते हैं उससे रिलेटेड आइटम्स आती रहती हैं हमारी न्यूज़ फीड पे, और हम वो देखते हैं यूट्यूब पे जो हम देखना चाहते हैं. ऑन दी अदर हैंड टिकटॉक पे गया, जैसे मैं फॉर यू पेज पे गया, वीडियो चल पड़ी. कौन है ये, मेरे को, मैं क्यों देख रहा हूँ इसे, कोई आइडिया नहीं, मैंने इसे फॉलो नहीं कर रखा. उसके बाद व्यू चला गया. जो नंबर्स की बात है वो भी मैं आपको बताता हूँ. जो टिकटॉकर्स यूट्यूब से अपना नंबर गेम कंपेयर कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ. मैंने वीडियो खोली, ऐप खोला, वीडियो चल गई, उसके बाद व्यू जा चुका है ऑलरेडी.
मेरे को नहीं देखनी, मैंने स्वाइप कर दिया इसको, ये वाली वीडियो भी नहीं देखनी, इसको भी स्वाइप कर दिया, व्यूज़ जाए जा रहे हैं, देयर गेनिंग व्यूज़। कुछ लोग भाई लाइक भी करते हैं क्योंकि ज़्यादा टिकटॉक के ऑडियंस आर किड्स, तो आप अपने टिकटॉक के व्यूज़ यूट्यूब से नहीं कंपेयर कर सकते। टिकटॉक पे 1 मिलियन लाइक्स लोगों के इतने ईजिली हो जाते हैं, बट यूट्यूब पे 1 मिलियन लाइक्स होना इज़ लाइक अ ह्यूज डील, ह्यूज डील। प्लेटफॉर्म बुरा नहीं होता, क्रिएटर बुरा हो सकता है, और टिकटॉक पे हैं बहुत सारे बहुत बुरे क्रिएटर्स, यूट्यूब पे भी हैं बट कम वॉल्यूम में हैं। क्योंकि क्या है, यूट्यूब पे ना आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं एक वीडियो को पोस्ट करने के लिए। टिकटॉक में क्या है, आपने कुछ रिकॉर्ड करा, सॉन्ग उसमें कुछ भी डाल सकते हो, कोई कॉपीराइट्स का इशू नहीं है। मैं आज ये व्लॉग बना रहा हूँ, मेरा पूरा दिन इसको शूट करने में लगेगा, फिर मैं 4 से 5 घंटे मिनिमम इसको एडिट करके फिर डालूंगा, तब जाके मेरी वीडियोज़ पर कुछ व्यूज़ आएंगे। सो इसलिए यूट्यूब पे जो यूज़र्स सस्टेन कर पाते हैं ना, वो कुछ अच्छी क्वालिटी ही प्रोवाइड कर रहे हैं जब भी वो उस पर स्टिक रह पाते हैं। टिकटॉक का आपको पता है, तो भाई ये कंपैरिजन बिल्कुल बेबुनियाद है। कोई इसका फ़ायदा नहीं है, बस टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स को रोस्ट करके उनके भी व्यूज़ बढ़ रहे होंगे, आई एम श्योर यहाँ से भी व्यूज़ बढ़ाए जा रहे हैं, और इस सबसे क्या हो रहा है, दी एंड हेट बढ़ रही है बस। भाई तुम अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे वो यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट बनाते रहो, टिकटॉक वालों को जो टिकटॉक वाले करना चाहते हैं वो करने दो। टिकटॉक ने भी भाई काफ़ी लोगों की लाइफ चेंज करी है, बहुत बूस्ट करता है टिकटॉक भी, यूट्यूब का तो आप लोग को पता ही है। सो भाई ये था मेरा टेक ऑन यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। सो भाई लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि मेरा फर्नीचर आ रहा है, सो डाइनिंग टेबल मेरी आ चुकी है, अब मेरे को इसे सारा असेंबल करना है। फाइनली टेबल अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है, भाई आपके लिए तो 30 सेकंड में बन गई होगी, यहाँ मुझे 1.5 घंटा लगाया रहा हूँ, 1.5-2 घंटे, बट आई एम ग्लैड बन गई है और सॉलिड खड़ी है एकदम। आई थॉट जब मैं इसके लेख लगा के खड़ा करूँगा तो नीचे गिर जाएगी पूरी, बस अब एक काम बाकी है। नाउ आई कैन फाइनली ईट माई मफिन। सो गाइस यहीं पे बैठ के होगी अब सारी वीडियोज एडिट, एंड आई रियली लाइक इट, प्लस इट्स ब्लैक। सो गाइस आई फाउंड दिस फिल्टर ऑन इंस्टाग्राम, विच बॉलीवुड स्टार आर यू, सो आई एम गोना ट्राई दिस। कबीर सिंह। भाई बिल्कुल सही बताया है, शक्ल तो मिलती ही है मेरी कबीर सिंह से। बहुत बुरा आइडिया था भाई। कमेंट सेक्शन में मेरी धज्जियाँ उड़ने वाली, सब मजा आ गया भाई, शाहिद कपूर है, जस्ट हैविंग फन। भाई ये चश्मा ना मेरे मामा ने मुझे गिफ्ट किया था, और गिफ्ट भी किया मतलब वो एक दिन पहन के आए थे, मैंने बोला दिखाना ज़रा, और मुझे इतना पसंद आया मैंने बोला भाई तुम अपने लिए ना दूसरा ले आना। अपी 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 कितनी तेज बातें कर रही है देखना मम्मी, अपी अपी शोर थोड़ा कम कर, वीडियो बना रहा हूँ 2 मिनट, मम्मी समझा लो इसे। हाँ सो ऐसे मिला था मुझे चश्मा, और मुझे पता है मामू वीडियो देख रहे हैं, तो भाई कैसे हो, फोन में नहीं करते हैं तुम आजकल?
सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस. मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, सबका जवाब भी दे रहा हूँ. आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं ये व्लॉग्स. कमेंट सेक्शन में ना मेरे को यही बताना कि आप नेक्स्ट व्लॉग में मेरे को क्या करते हुए दिखना चाहते हो, या फिर कोई चैलेंज आप चाहते हो कि मैं करूँ. इफ़ आई पिक योर आइडिया और मेक अ वीडियो अबाउट इट, आई एम गोना गिव यू अ शाउट आउट. और भाई अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, मेरा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. किसी भी 3 फ्रेंड्स को आप ये वीडियो भेजो और उनको रिकमेंड करो भाई देखो इसकी वीडियोस, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है. और वीडियो को लाइक भी कर देना. कितने काम बता दिए मैंने, बस इतना ही. एंड या स्टे सेफ, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.